हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अदानी पावर। आप सभी को पता है दोस्तों कि अदानी ग्रुप का जितना सारा शेयर है वो सब नीचे की तरफ जा रहा है और सबके मन में कुछ तो क्यूरियोसिटी है, कुछ कुछ लोगों के मन में डर है कि ये स्टॉक कहाँ पे जा सकता है, कितना गिर सकता है, क्या ये स्टॉक का फंडामेंटल्स खराब है इसलिए गिर रहा है या ऐसे ही स्पेकुलेशन के बेसिस पे गिर रहा है। तो दोस्तों, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को यूट्यूब में लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, चलिए और देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अदानी पावर शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अदानी पावर के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है और इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फुल फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि इन गिरते हुए टाइम में इतना ज्यादा नेगेटिव खबर आ रहा है मार्केट में, फिर भी मैंने अदानी पावर को क्यों चूज किया। तो दोस्तों, पहले मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि मैंने अदानी पावर को क्यों चूज किया और उसके बाद हम लोग फंडामेंटल्स में जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अदानी ग्रुप का जितना सारा शेयर है वो सब अभी नीचे की तरफ गिर रहा है, मार्केट में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज है अदानी ग्रुप के बारे में। लेकिन दोस्तों, अदानी ग्रुप जो है वो एक कंपनी नहीं है, उसमें 6 कंपनी है जो पूरा अदानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अदानी ग्रुप में जो सारा कंपनी, मतलब जो मेजर कंपनीज है, एक है अदानी एंटरप्राइज, फिर है अदानी ग्रीन एनर्जी, फिर है अदानी ट्रांसमिशन, फिर अदानी टोटल गैस, और 2 कंपनी ऐसा है जो अदानी पोर्ट और अदानी पावर, इन दोनों को मैंने अलग से लिख के रखा है। दोस्तों, अगर आप ऊपर का ये 4 जो कंपनी है, इस 4 कंपनी में देखेंगे तो ये जो 4 कंपनी है इसका जो स्टॉक का पी दोस्तों है, जो पी वैल्यू है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये लगभग आपका हर एक कंपनी में जो है वो 200 के ऊपर दिखाई देता है। मैं यहाँ पे 200 के ऊपर बोल रहा हूँ, लेकिन कोई कोई स्टॉक ऐसा था जिसका पी वैल्यू ग्रेटर देन 700 भी चला गया था। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो पी वैल्यू होता है उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रेंज हम लोग पकड़ते हैं वो 50 के आसपास पकड़ते हैं। अगर कोई स्टॉक 50 के ऊपर चला जाता है तो हम लोग सोच लेते हैं कि उसका प्राइस बहुत महंगा है। और यहाँ पे इन 4 कंपनी का जो स्टॉक पी वैल्यू था, कोई कोई कंपनी का दोस्तों 700 के भी ऊपर चला गया था, तो आप सोच सकते हो कि उसका प्राइस कितना ऊपर चला गया, वो स्टॉक का प्राइस कितना कॉस्टली हो गया। तो दोस्तों, इन 4 में जो गिरावट हो रहा है वो नेचुरल है, क्योंकि इतना ज्यादा पी वैल्यू में कोई भी स्टॉक प्राइस सस्टेन नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अदानी ग्रुप का 2 ऐसा स्टॉक है, एक है अदानी पोर्ट और दूसरा है अदानी पावर। इन दोनों का जो स्टॉक पी है दोस्तों, वो पी वैल्यू कभी भी 50 छोड़ के ऊपर नहीं गया और 50 के नीचे ही रहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का जितना सारा कंपनी है उसमें ये 2 जो कंपनी है इसमें पी वैल्यू 50 के ऊपर नहीं गया, जहां पे बाकी कंपनी का जो पी वैल्यू है वो 200, 300, 700, 800 तक चला गया था। तो आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों का जो फंडामेंटल्स है, इन दोनों में शायद कोई भी मैनुपुलेशंस कभी हुआ नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों में मैनुपुलेशंस होता तो इसका भी पी वैल्यू रॉकेट जैसा ऊपर चला जाता। इसीलिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था वो अदानी पोर्ट्स के ऊपर बनाया था, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अदानी पावर के ऊपर बना रहा हूँ। और यही दोनों अदानी ग्रुप का जो शेयर है इसको मैंने पिक किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेकुलेटिव फॉल भी दिख रहा है। दोस्तों, स्पेकुलेटिव फॉल मतलब जहां पे आपका पी वगैरह या आपका जो फंडामेंटल से वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉक कुछ न्यूज के बेसिस पे फॉल हो जाता है। और ये जो फॉल होता है दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी होता है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए, और वही अपॉर्चुनिटी का फायदा यहाँ पे हम लोग उठाने का कोशिश करेंगे और उसी के लिए आज हम लोग इस एनालिसिस को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि अदानी ग्रुप में जितना सारा स्टॉक है उसमें से मैंने यही 2 स्टॉक को क्यों चूज किया एनालिसिस के लिए।
तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं screener.in पे और आदानी पावर का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं screener.in पे और हम लोगों के सामने आदानी पावर का फंडामेंटल पेज खुला हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बुक वैल्यू को देखता हूँ तो बुक वैल्यू 34 रुपीज है और जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 11,515 रुपीज चल रहा है। तो दोस्तों मैं अगर बुक वैल्यू टू करेंट मार्केट प्राइस का रेशियो निकालूंगा तो मुझे दिखेगा कि जो अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो लगभग 3x पे चल रहा है, जो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये एक हेल्दी प्रीमियम है कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर ये कंपनी का स्टॉक पी आप देखेंगे वो अभी 34.9 है, 35 के आसपास चल रहा है, 50 से कहीं नीचे है। आपको जैसे मैंने बोला था कि यही दो स्टॉक है, एक अदानी पावर और एक अदानी पोर्ट्स, जिसमें 50 के नीचे पीई है, बाकी सबका पीई देखिए इतना गिनने के बाद भी वो 200 250 500 के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों इसलिए जो अदानी पावर और अदानी पोर्ट है वो अभी एक इन्वेस्टेबल रेंज पे है। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर ROCE देखूंगा 12.8 है, 15 के क्लोज है, 10 से ऊपर है, तो इसको मैं खराब नहीं बोलूंगा, तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। और यहाँ पे मैं ROE देखूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मुझे दिख रहा है कि इसका वैल्यू 23% है जो 15 से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो बेसिक फंडामेंटल अदानी पावर के बारे में हम लोगों को दिख रहा है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी चीज नहीं दिख रहा है। और उससे भी बढ़िया चीज के जो प्राइस करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो इन्वेस्टेबल रेंज पे है। और दोस्तों मैं अगर कंपनी का अबाउट के बात करूं, मतलब ये जो कंपनी जहां पे काम करता है, जो स्ट्रीम में काम करता है, तो मुझे दिखेगा ये सोलर पावर के ऊपर काम करता है दोस्तों। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जो करंट हम लोगों का गवर्नमेंट है वो भी देश को आहिस्ता आहिस्ता रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाने का कोशिश कर रहा है, तो आने वाला टाइम में सोलर पावर का जो डिमांड है वो भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी का बुनियाद खड़ा किया गया है, तो आने वाला टाइम में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो चाहिदा है वो भी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे और वहां पे देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अदानी पावर के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। यहाँ पे अगर मैं सेल्स का बात करूं दोस्तों, तो 2018 से देखना चालू करेंगे तो सेल्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट में दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जितना टाइम जाएगा सोलर पावर उतना ज्यादा डिमांड में आ सकता है, तो ये उसका नमूना है कि इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट पे है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस साल काफी ज्यादा है। आप देख सकते हो कि पिछले कई सालों को लास्ट 2016 में इतना ज्यादा प्रॉफिट आया था, उसके बाद का जितना फिगर है वो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल जनरेट हुआ है। इसको छोड़ के दोस्तों अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा ये कंपनी इतना दिन लॉस पे चल रहा था दोस्तों, और यही एक साल है जहां से ये कंपनी प्रॉफिट में जाना शुरू किया है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म एनालिसिस के हिसाब से भी ये कंपनी कहीं से भी बियरिश नहीं दिख रहा है। ये कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो शॉर्ट टर्म में भी हम लोगों को एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं इसके बैलेंस शीट में और वहां पे देखते हैं कि इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बैलेंस शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अदानी पावर की बैलेंस शीट में। यहाँ पे अगर आप कैश रिजर्व देखना शुरू करेंगे तो आप 2018 से देख लीजिए, यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैश रिजर्व जो है वो घटता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अभी इस साल का अगर फिगर आप पकड़ेंगे जो करंट साल है, करंट ईयर है, तो आप देखिए एक तरह से मतलब आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास जो है जंप आपको दिखेगा रिजर्व में, लगभग -6,000 से लेके ये अभी पॉजिटिव 10,000 पे खड़ा हुआ है। तो जो जंप है यहाँ पे रिजर्व का वो दोस्तों 10,000 करोड़ भी नहीं है, मैंने गलत बोला, 15,000 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है बोरोइंग्स को भी घटा लिया है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट लगभग इस साल थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसको मैं पॉजिटिव तो नहीं बोल सकता, यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव मार्किंग ही दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मुझे ये दिख रहा है
कुछ पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है और कुछ पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन फ्रेंड्स जो ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है कैश रिजर्व बढ़ने का, जो ट्रेंड दिख रहा है बोरोइंग घटने का, जो बाकी सब ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है, वो ट्रेंड के हिसाब से मैं इस बैलेंस शीट को उतना भी खराब नहीं बोल सकता। हाँ, इसको मैं बहुत जबरदस्त तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उतना खराब भी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, कंपनी कहाँ पे ऑपरेट करता है, कौन सा सेगमेंट में ऑपरेट करता है, सोलर पावर में, जो आने वाला टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे शायद रहने वाला है। तो और सोलर पावर का जो डिमांड है वो भी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा शायद बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी पूरा दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अभी टेक्निकल चार्ट में जाते हैं और वहां पे देखते हैं अगर हम लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, कौन सा लेवल हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं टेक्निकल चार्ट में। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अदानी पावर के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अदानी पोर्ट का जो प्राइस है वो एक बहुत ही हेल्दी स्टेट में है, इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोगों को दिख रहा है वो बहुत जबरदस्त दिख रहा है, जो बैलेंस शीट दिख रहा है वो भी खराब नहीं दिख रहा है, एक अच्छा खासा सॉलिड प्लेटफॉर्म के अंदर दिख रहा है। चार्ट पे अगर मैं सभी लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, सभी एनालिसिस को ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे मैंने सब कुछ मार्क करके रखा है जो मैं अभी आपको समझा दूंगा। दोस्तों जैसे फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे मैंने बोला कि कोई भी प्राइस अगर उसका बुक वैल्यू के 3x के अंदर या 3x के आसपास ट्रेड होता है वो बहुत एक हेल्दी प्राइस होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और मुझे जितना दिखा वहां पे वो भी मैंने आपको बताया कि जो अभी अदानी पावर का जो प्राइस है वो बुक वैल्यू के 3x के बहुत करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे अभी भी है क्योंकि पूरा का पूरा 3x के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड नहीं हो रहा है, 3.2 या 3.3 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों फंडामेंटल्स के हिसाब से हम लोगों का जो एंट्री यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया जो है 90 से लेके 100 के बीच में, मतलब प्राइस अभी तो सर्किट लगते लगते नीचे आ रहा है यहाँ पे। अगर ये 90 से लेके 100 के बीच में आता है या इससे नीचे जाता है तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हैं। और दोस्तों ये जो 90 से लेके 100 का प्राइस है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना दिन यही रेंज पे ये कंसोलिडेशन में था, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से भी ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन हो जाता है जो प्राइस रेंज है 90 से लेके 100। और दोस्तों आप समझ सकते होंगे या आप जानते होंगे कि जो बिग इन्वेस्टर है वो एक प्राइस में आके बैठे रहते हैं कि कब वो प्राइस में हिट करेगा, वो अपना पोजिशन बनाएगा। और दोस्तों जो 3x प्रीमियम होता है वो सभी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस हो जाता है, और इसलिए ये प्राइस हम लोगों के लिए भी एक अट्रैक्टिव प्राइस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बोला हम लोगों का पोजीशन जो क्रिएट होगा वो 90 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों इसमें मैं SL तो रखने के लिए बोलता नहीं क्योंकि ये हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आगे आने वाला जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो मेरा जो पर्सनली होगा वहां पे तो मैं SL नहीं रखूंगा, यहाँ पे मैं अपना पोजीशन बना के इसको होल्ड करने का ही कोशिश करूंगा। लेकिन जो सेफ ट्रेडर्स है दोस्तों वो 50 रुपीज के नीचे अपना SL को मेंटेन कर सकता है, अगर प्राइस गिरते गिरते 50 के नीचे चला जाता है तो शायद वो अपना पोजीशन को वाइंड अप करके निकल सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे आके बाउंस होता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग का जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा वो 200 रुपीज के आसपास होगा, क्योंकि दोस्तों अगर 100 रुपीज में हम लोग एंट्री करते हैं और 200 में प्राइस चला जाता है तो लगभग प्राइस डबल हो गया, तो हम लोग 50% क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने किया उसको हम लोग वापस ले सकते हैं और जो बाकी शेयर हम लोग के पास रहेगा वो बोनस के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट जोन के तरफ यहाँ पे छोड़ सकते हैं 7 से 10 साल के लिए। और उतना टाइम में तो 7 से 10 साल में मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि इंडिया में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ जाएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका भी डिमांड बढ़ेगा, तो सोलर एनर्जी का भी डिमांड बढ़ेगा और इस स्टॉक का भी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना रिक्वेस्ट और क्वेश्चन डाल सकते हैं।
ये दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में।